Hello students, so welcome to my channel Simply Biology. So today we are going to start with the topic how the cork or the bark is formed and about the complex permanent tissue. So let's begin. Well, here you can see that the cork is present, hai na? When you see a champagne bottle, the champagne ki bottle mein jo upar ka jo cover hota hai, that is a cork. है ना, ये कॉर्क होता क्या है? कॉर्क हमें कॉर्क स्टेम, कॉर्क एक ट्री है उसकी स्टेम से मिलता है, बट ऐसे ही कॉर्क का मतलब है बार्क. ठीक है, कॉर्क मीन्स बार्क. ये बार्क किसी में आराम से निकल जाती है, लाइक यूकलिप्टस में आप देखते हो वो शेड करता है अपनी बार्क, और कहीं कहीं ये बार्क बहुत हार्ड हो जाती है लाइक नीम प्लांट. वेल, हाउ डू दिस बार्क आर फॉर्म्ड, और ये कॉर्क बनते कैसे हैं? As the plant grow older, the outer protective layer or tissue called epidermis, it changes. It is replaced by secondary meristem, which gives new cells on both outside and inside. यही सेल अंदर और बाहर दोनों जगह कट करना शुरू करते हैं. ये सेकेंडरी मेरिस्टम अंदर भी सेल को कट करता है और बाहर भी. बाहर ये सेल कट करके बार्क बनाता है, और ये जो सेल्स होते हैं ये डेड होते हैं, टाइटली अरेंज्ड होते हैं, इनके पास इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता. ये एक अच्छे सब्सटेंस से बने होते हैं जिसका नाम है सुबरिन, और ये इम्परवियस होते हैं गैसेस और वाटर के. सो सुबरिन इज द केमिकल थ्रू विच दे आर मेड अप ऑफ, एंड इट मेक्स इट इम्परवियस टू द गैस इन वाटर. सो व्हाट इज द नेचर ऑफ कॉर्क? कॉर्क एक प्रोटेक्टिव नेचर का है. ये प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ वाटर, ये मैकेनिकल इंजरी से भी बचाता है प्लांट्स को. इट डज नॉट कैचेस फायर इजीली, और ये बहुत लाइट वेटेड होता है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो यूज्ड एज इंसुलेटर इन गुड स्पोर्ट्स गुड्स. सो यू कैन सी दैट द सेल्स हियर एंड दे आर रप्चर्ड एपिडर्मिस. देन कम्स द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल्स. इनका ओरिजिन सेम होता है और एक ही काम करते हैं ये. लेट्स स्टार्ट. कॉम्प्लेक्स कैन बी जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम, जाइलम्स कैन बी ट्रेकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा. जाइलम स्क्लेरेन्काइमा इज आल्सो नोन एज जाइलम फाइबर. फ्लोएम, फ्लोएम आर सीड ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर, जिनको हम बास्ट फाइबर भी कहते हैं. तो देखिए, जाइलम और फ्लोएम जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सेल से बने हैं, इसीलिए हम इन्हें परमानेंट और कॉम्प्लेक्स कहते हैं टिश्यू. लेकिन इन सबका फंक्शन एक ही है. जाइलम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स को, फ्लोएम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है खाने को. जाइलम एंड फ्लोएम बोथ टुगेदर आर कॉल्ड वैस्कुलर टिश्यू, और दोनों एक साथ जब मिलते हैं तो हम कहते हैं दे आर वैस्कुलर बंडल्स. जाइलम वैस्कुलर टिश्यू है, फ्लोएम भी वैस्कुलर टिश्यू है, और वो एक साथ बना के वैस्कुलर बंडल्स बनते हैं. जाइलम जो है उनकी सेल वॉल थिक होती है, वो डेड टिश्यूज होते हैं. ये जो है ट्यूब फॉर्म में, या फिर इनमें छोटे छोटे परफोरेशंस भी प्रेजेंट होते हैं ताकि वो लेटरल कंडक्शन भी कर सकें. जाइलम पेरेन्काइमा जो है वो स्टोर करता है खाने को और लेटरल कंडक्शंस भी कर सकता है. वेसल्स जो है वो छोटे छोटे कंडक्टिंग ट्यूब्स होते हैं जो कि एक साथ ज्वाइन करते हैं. ट्रेकीज थोड़े इलोंगेटेड और टेपर एंड्स के होते हैं. जाइलम पेरेन्काइमा ही इसमें लिविंग टिश्यू है, बाकी सारे डेड हैं. ठीक है, जाइलम फाइबर जो है वो सपोर्टिंग का काम करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है. ये लिग्निन से बने होते हैं, इसीलिए हम इन्हें लिग्निफाइड वेसल्स भी कहते हैं, और ये यूनिडायरेक्शनल करते हैं पानी को, यानी कि पानी जो है और मिनरल्स जो है वो रूट से स्टेम की तरफ जाते हैं, मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, नीचे से ऊपर, अपवर्ड. फ्लोएम को हम बास्ट भी कहते हैं, और ये सीव ट्यूब, देखिए सीव ट्यूब्स का बना हुआ है, और साइड में एक कंपेनियन सेल भी है. कंपेनियन सेल मदद करता है, और ये एक लिविंग टिश्यू है. कंपेनियन सेल मदद करता है ताकि खाना जो है वो इन सीव ट्यूब के थ्रू हर पार्ट को मिल सके. फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है खाने को फ्रॉम द लीव्स टू स्टोरेज ऑर्गन्स और द ग्रोइंग पार्ट. ये खाने को बोथ डायरेक्शन, यानी कि बाय डायरेक्शनली ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है. द ट्रांसलोकेशन ऑफ द सॉल्युबल कंपोनेंट ऑफ द फूड फ्रॉम द लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन.
Xylem is conducting the water in one direction, water and mineral. Phloem is conducting the food in both the direction, upward and downward. In phloem, only the phloem fiber is the dead portion. Whereas xylem, the xylem parenchyma is the living. Okay? Khana aur khane ko conduct ke liye ATP yani energy ki zarurat padti hai. Because phloem ek living tissue hai. Xylem ko energy ki zarurat nahi padti because xylem jo hai, wo dead tissue hai. So students, ye hai hamare jo diagrams. Aapko NCERT book se hi diagrams ki practice karni hai. Theek hai? So, till then, revise the topic. Thank you everyone. Do share, like and subscribe my channel for more updates. Thank you.